जय साईं जी दी रब एक जय साईं जी 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूण सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो, बैल आइकन नू जरूर दबाओ ताकि तुहानू आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे। बाबा जी किसी फकीर नू सवाल किया किसी ने कि बाबा जी इस दुनिया के सब तो ज़्यादा बड़भागी कौन है जिसके भाग बड़े चंगे है? तो वह कहते कि इस दुनिया के इस जीवन के सब तो ज़्यादा बड़भागी है जिन्हों अपने अंतर ध्यान का बार बार चेता आने लग पवे। बाबा जी जिन्हों उस परमानंद का बार बार चेता आने लग पवे, जरा गौर करना, जिहड़ा अपने अंदर की अवस्था जानन लग पे बाबा जी कि रब बंदे दी जात है इको जिवें कपड़े दी जात है, रूह विच कपड़े दे रूह है लुकिया ते विच बंदे दे तू, आपे बोले आप बुलावें ते आप करे हूं हूं। ते जिसनू अपने अंतर दी अंतर ध्यान दी समझ आन लग पवे, जिन्हों जदों मौका मिले वो अपने अंदर नू खिसक जावे, वह दुनिया का सब तो बड़भागा इंसान है। एक ना जैन फकीर सी बाबा जी, जैन फकीर, वो जैन फकीर जी जिहड़े सीगे ना उन्होंने कुछ उन्होंने प्यारिया ने उन्होंने भोजन ते बुलाया, महाराज साढ़े आए हो तुसी, भोजन ते बुलाया तो वह सत मंजली जिहड़ी सी वह मकान सी जिथे भोजन ते उन्होंने जाना सी, जापान की यह गल है, असल घटना है बाबा जी। तो उत्थे हुण जदों बुलाया तो भूकंप आ गया, हुण जदों भूकंप आया सारे जाने भज्जे, जिहदा घर सी वह भी भज्जिया क्योंकि सत्तवीं मंजिल के उत्ते भोजन का प्रोग्राम किया गया सी। जरा गौर करना बाबा जी, जे इस गल नूं कहिंदे समझ गए ना कदे डरोगे ना कदे घबराओगे किसी भी चीज़ तो। सो इस चीज़ नूं जरा गौर करना, हुण जदों भूकंप आया ना सारे भज्जन लगे, वह जिहदा घर सी वह भी भज्जन लग्या, हुण भूकंप आवे तो सत्तवीं मंजिल ते किहड़ा रहिंदा है, वह पौड़ियां ते ऐ रश पै गया। हुण वह जिहड़े जिहड़ा ग्रह अद जिहड़ा जिहदा सीगा वह घर ग्रह का मालक सी जिहड़ा वह भी भज्जिया, वह जदों मुख दरवाजे के कोल पहुँचया ना उन्हूं याद आया कि भाई जिहड़ा मुख मेहमान नूं बुलाया सी वह जिहड़े फकीरां नूं बुलाया सी वह किधर गए, उन्होंने तो कितने देखा ही नहीं, उन्होंने तो भुल ही गए क्योंकि हुण अपनी अपनी जान बचाण दे चक्कर च सारे भज्जे, वह भी भज्जिया, हुण सारे भज रहे हैं, जदों याद आया तो वापस गया। वह जा के देखिया तो वह जैन फकीर वह इदां बैठे मौन हो के अखा बंद इन्ने शांत हो के बैठे जिवें बंदगी कर रहे हों, इबादत कर रहे हों, और इदां बैठे जिवें कुछ होया ही नहीं है, जिवें स्टैचू हुंदा ना इदां बैठे हैं मौन, वह ऐ बड़ा उन्होंने शांति उन्होंने चेहरे तो दिख रही है, उन्होंने रूप इलाही नूर दिख रहा है, शांति आनंद दिख रहा है। बाबा जी वह जिहदा घर का मालक सी ना वह देखता ही रह गया, जिदा कह सम्मोहित हो गया इंसान, फकीरां दा चेहरा देख के तो इंसान उदा ही उन्होंने वालों खिंचया जाता है। तो उन्हें उस वक्त बड़े गौर नाल देखिया तो बस उन्होंने देखता ही रह गया, हुण वह उन्हां वल खिंचया जा रहा है, पहला भज रहा सी भूकंप चल रहा है वह भज रहा सी, पर जदों फकीरां नूं देखिया उन्हां वल नूं खिंचया गया, जाके बैठ गया उन्हां दे चरणां च। बाबा जी भूकंप आया भूकंप बाबा जी चला भी गया, बिल्कुल असली घटना है जापान की, जरा गौर करना, भूकंप चला गया, फकीर अखां खोलियां उन्होंने, हुण जिथे वह उपदेश चल रहा सी उन्हां दा जिथे वह गल्लां कर रहे सी वो जदों भूकंप आया सारे भज गए, उत्थे गल टुटी सी उत्थे ही उन्होंने दोबारा शुरू करती गल। हुण वह जिहड़ा ग्रह का मालक सी जिहड़ा घर का मालक सी वह कहन लगा कि महाराज मैनूं तां कुछ याद ही नहीं है कि इन्ना भूकंप आया जी, आले दुआले सारे रौला पै गया बहुत उच्ची उच्ची, जो भी गल चल रही सी वह हुण मैनूं याद नहीं है ते ना ही मैं हुण उहदे बारे सुनना चाहुंदा, मैं तां जी कुछ होर पुछना चाहुंदा आ, मैं यह पुछना चाहुंदा आ महाराज कि भूकंप आया सारे जाने अपनी जान बचाने के चक्कर च भजे पर तुसी भजे ही नहीं। तो फकीर बोले मुस्कुरा के कहन लगे कि भजया तो मैं भी सी, तुसी बाहर नू भजे मैं अपने अंदर नू भजया। जरा गौर करो बाबा जी, वह कहिंदे जिथे जिहदी मंजिल है हर इंसान उधर नू भजया, जिथे जिसनू लगता है
कि मैं सुरक्षित हाँ, इत्थे मैं बच जाऊंगा। हर इंसान उधर नू भजया, पर एक गल याद रख कि तुसी बाहर नू भजे ते तेरा भजना जिहड़ा सी वह किसी काम का नहीं सी, क्योंकि भूकंप जिहड़ा है वह सतवीं मंजिल ते भी है, छेवीं मंजिल ते भी है, पंजवीं ते भी है, चौथी ते भी है, तीजी ते भी है, दूजी ते भी है, पहली ते भी है। तो भूकंप तो हर जगह, भज कितें रहे हैं तू? जिहड़े सड़कां ते आ घर नू भज रहे, जिहड़े घरे आ उह बाहर भज रहे हैं, पर भूकंप तो उत्थे भी है, सड़कां ते भी है, घरां च भी है। भूकंप चों निकल के भूकंप च ही जा रहे हो तुसी सारे जाणे। कहिंदे भज्जिया तां मैं भी, पर मैं अपने अंदर च भज्जिया, अपने भीतर च भज्जिया। कहिंदे क्योंकि मैं अपने अंदर एक ऐसी जगह जाणदा, जरा गौर करना बाबा जी, ऐसी अवस्था जाणदा कि जिथे कोई भूकंप जिंदगी च पहुंच ही नहीं सकता। एक ऐसी जगह मैं अपने अंदर खोज ली है, जरा गौर करना बाबा जी। वो फकीर कहिंदे ऐसी जगह मैं अपने अंदर खोज ली है, वह भूकंप तो दूर की गल, उत्थे तो कोई गम भी नहीं जाता। ऐसी जगह मैं लभी है जिथे आ दुनिया के रोने ढोने आ कुछ भी नहीं जाता, कहिंदे उत्थे। क्योंकि मैं भी भज्जिया, पर मैं तुहाडे वांगू नहीं भज्जिया, तुसी सिर्फ इक्को ही भज्जना जाणदे आ, हत्थां पैरां नाल। मैं हत्थां पैरां दा प्रयोग नहीं कीता, कहिंदे मैं अपने शरीर दा प्रयोग नहीं कीता, मैं तां अपने अंदर गया। एक ऐसी जगह जिथे गम, घबराहट, डर उत्थे पहुँच ही नहीं सकता। मैं अपने अंदर चला गया, क्योंकि बाबा जी हर फकीरा ने यही फरमाया है कि जिन्हों लभदा है बाहर वह तेरे अंदर बैठा। कि ढूंढे बाहर जाके एवें मुर्गियां कूड़ा फरोलदा है, बुले शाह उत्ते थुवक नहीं होए, आपे आवाज मारे आपे बोलता है। इस तरह जैन फकीर कहिंदे चिंता मैनू भी हुई, पर मैनू सिर्फ ये चिंता हुई कि मैं अपने उस स्थान अपने अंदर पहुँच जावा जिथे कोई चिंता ही नहीं कदे पहुँच सकती, कोई गम ही नहीं कदे पहुँच सकता, कोई दुख ही नहीं कदे पहुँच सकता, कोई डर ही नहीं कदे पहुँच सकता, कोई घबराहट ही नहीं कदे पहुँच सकती। उत्थे कहिंदे मौत भी नहीं आउंदी, बस कहिंदे चिंता तो एक ही सी कि इबादत च मरा। जरा गौर करो बाबा जी, कहिंदा बंदगी च मरा, अपने ध्यान दे विच मरा, क्योंकि मौत तो कदे ना कदे आनी ही आनी है। बस इक्को ही ध्यान सी कि ध्यान दे विच मरा, इबादत दे विच मरा। और मेरा तो कहिंदे इक्को ही कहना है कि ध्यान विच ही जीवां ते ध्यान विच ही मरा। जरा गौर करो बाबा जी, ध्यान कहिंदा याद आन लगी है मैनू ओदी जिहदी याद ने यह बंतर बना के भेजिया है। जरा गौर करना बाबा जी, कहिंदे आवां जावां तेरे बदले साडा कामना गली दे विच कोई। ओ मौत तां अपने समय ते आ ही जानी है, पहलां उहनूं ते याद कर लवां, पहला उन्हों तो चेता कर लवा, उत्थे पहुँचते जावा जिथे जाके मैनू उहदा दीदार होया है। जरा गौर करो बाबा जी। वो फकीर कहन लगे मैं तो सिर्फ इन्ना ही जानता हाँ कि ध्यान च ही मरा तो ध्यान च ही जीना है, इसलिए मैं भज्जिया नहीं, इसलिए मैनू कोई डर नहीं, मैनू कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एको ही चिंता है वो नाम की, वो ध्यान की। क्योंकि डर मौत का मूल ना आशकों है, ना कुछ अपना शौक तो ना शानवियाँ, वर शाए जग सब दगेबाज है जी, रख साईं दे चरनी ध्यान मियाँ, रख रब दे वल ध्यान मियाँ। वो कहिंदे ध्यान दे विच एक ऐसी अवस्था आ जाती है इंसान दे कोल जिहदे च परमानंद है, जिहदे च केवल आनंद ही आनंद है, ना उत्थे कोई डर है, ना उत्थे कोई घबराहट है, ना उत्थे कोई चिंता है, ना उत्थे कोई गम है, उत्थे तां खुले दीदारे है। और उन्हां दीदारां नूं करदे करदे जे मैं मर भी जावां तां फिर वह मरना भी मेरा सफल है। इसलिए वह फकीर फरमाया कि मैं ध्यान में ही जीना चाहना हाँ तो ध्यान में ही मरना चाहना हाँ। और कहिंदे उही इंसान दुनिया का सब तो वडभागी है, सब तो ज़्यादा भाग्यवान है जिन्हों अपने अंदर का चेता आने लग पवे 24 घंटे च जदों भी मौका मिले। हुण इहदे विच इह नहीं है कि पखंड कर लग पे दुनिया च बैठा है, दुनिया च बैठा है तो कहिंदा मैं अंदर नूं लभदा फिरदा, तो बाहर कल्ला बैठा है तो फिर बाहर नूं लभदा फिरदा है, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਭੀਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਭਾਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨ ਫਕੀਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੁਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ
जिथे मैं विच रही ना मैं ते उथे डेरा कीता तै। लोकी मैनू ताने दिंदे जो कराई तै, क्योंकि मेरा तो ध्यान ही उधर है। हुण दुनिया जो कुछ मर्जी कही जावे, मेरी ओहदे नाल है, मैं ओहदे नाल है, ओह मेरे नाल है। उस परमा आनंद की प्राप्ति जो हो जाती है तो फिर उसाई लोग कहते फिर बंदा उस अवस्था के बार बार जाने जी करता है। वह जी अवस्था है वह इंसान ध्यान यानी कि इबादत नाल बंदगी नाल ही हासिल होंगी है बाबा जी। सो उत्थे कहिंदे जे उस अवस्था दे विच पहुँच के जे मर भी गया तो मेरा मरना भी सफल है ते मेरा जीना भी सफल है। इसे लिए कहना हाँ कि ध्यान च जियो ते ध्यान च मरो। सो सारे नू सलाम है बाबा जी, खुश रहो, आबाद रहो, चढ़दी कला च रहो, अपनी दुआवां च याद रखना। जय साई जी दी, जय बाबा मुराद शबली जी, गुरुआं पीरां रहबरां फकीरां संत महात्मा साई लोकां सारे नू सलाम है, सब नू प्रणाम है।